हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ SNT की। जी हाँ, SNT की वीडियोस की बहुत डिमांड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो है। मैं पूरा 30 पेजेस के नोट्स हैं ये, मैं पूरा कवर करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी जल्दी। सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। कृपया मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली कंप्यूटर से शुरू करेंगे हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हम खत्म कर देंगे 30 पेजेस। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। नेटवर्क आपको पता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिकली इंटरनेट एक नेटवर्क ही है। नोड्स क्या हैं? डिफरेंट टर्मिनल्स, कोई भी टर्मिनल हो सकता है। एक कंप्यूटर से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, टर्मिनल्स कुछ भी जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल है। आगे चलते हैं, सर्वर। सर्वर क्या है? जैसे आप कंप्यूटर पे बैठते हो और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे google.com डाला आपने, तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। एक सर्वर पर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वहीं से आके सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। बेसिकली जितनी भी बड़ी साइट्स हैं उनको सर्वर लेना पड़ता है। अगर आप कभी वेबसाइट डेवलपमेंट में जाओगे तो, जैसे अगर आपने कोई भी डोमेन नेम लिया www.education.com, तो इसके लिए आपको एक सर्वर भी लेना पड़ेगा। वो सर्वर क्या करेगा? बेसिकली इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, इन्फॉर्मेशन पास करेगा, दैट इज सर्वर। इंटरनेट जानते हैं आप, नेटवर्क ऑफ सबसे बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें करोड़ों करोड़ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब इस इंटरनेट को चलाने को देखिए, टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो होते हैं। पहला क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, WWW, आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली ने दिया था। कंसोर्टियम है, अभी इसका डायरेक्टर है, WWW कंसोर्टियम, ठीक है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स टू वो कंप्यूटर रेडियो टेक्सुअल डेटा फ्रॉम सर्वर से, आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में कुछ डालते हो, वो सर्वर से इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है HTTP। इसका एक और सिक्योर वर्जन है HTTPS। एस लगते ही बेसिकली इट इज़ SSL, जो सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी ये क्रिप्टोग्राफिक रखता है, यानी आपके और सर्वर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ये एक तरीके से क्रिप्टोग्राफी, यानी एक तरीके से ये कोई भी और नहीं देख सकता। लाइक यू नो, कोई हैकर हैक करना चाहता है इन्फॉर्मेशन को, तो जैसे ही HTTPS आ जाता है, आप कभी भी किसी भी बैंकिंग वेबसाइट में देखोगे तो HTTPS आपको ज़रूर दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, URL। URL तो आप जानते हैं, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन है। मालवेयर, दीज आर मलिशियस सॉफ्टवेयर्स। आगे बढ़ते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस भी एक तरीके से हैं। साइबर वॉरफेयर क्या है? साइबर एक तरीके से जासूसी करना, साइबर का दूसरा कैंपेन। कुछ वर्सेस के नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे। स्टक्सनेट वायरस है पहला, डेवलप्ड बाय इजराइल एंड US, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बर्बाद करने के लिए, जब ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। तो स्टुकनेस्ट वायरस, स्टुक्स नेट वायरस इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। एक फ्लेम वायरस क्या है? अटैक्स कंप्यूटर विच रन विंडोज़। ये विंडोज़ जो जो करते हैं, वो कैस्पर्स की लैब ने इसको डिस्कवर किया है। फिर रेड अक्टूबर है, एक कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। एक तरीके का अटैक होता है, एक सिंगल कंप्यूटर में क्या करते हैं, उसको ओवरलोड कर देते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर की क्षमता है कि आप 10 रिक्वेस्ट ले सकते हो, तो क्या करते हैं, 2-3 हज़ार रिक्वेस्ट एक साथ भेज जाती हैं, तो उससे क्या होता है, सर्वर हैंग हो जाता है। तो इसको बेसिकली चेक करने के लिए आजकल आपने देखा होगा कैप्चा का यूज़ होता है। कैप्चा बेसिकली यही करता है, इट इंश्योर्स कि इट्स अ रियल ह्यूमन, तो आप किसी भी तरीके से DDoS ना कर पाए उस पर। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है मुझे। चलिए, अब आ गया है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले स्किन की बात है। तो इंटेग्यूमेंट सिस्टम ऑर्गन प्रोटेक्शन बॉडी फ्रॉम डैमेज स्किन, ठीक है। स्किन का क्या काम है? स्किन में दिखते हैं, इसमें लेयर्स घुस जाती हैं। आउटर मोस्ट लेयर क्या है आपकी? इपिडर्मिस। दिस इज़ द आउटर लेयर मेड ऑफ एपिथेलियल से, डज नॉट कंटेन, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आपसे आउटर मोस्ट इपिडर्मिस की लेयर पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये आपको याद रखना है। स्ट्रैटम कॉर्नियम इज द आउटर मोस्ट लेयर पोर्शन ऑफ इपिडर्मिस, वायरसेज उनको घुसने नहीं देती है, ठीक है। मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस पिगमेंट मेलानिन, फंक्शंस ऑफ फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट। इसी में एपिडर्मिस में एक चीज़ होती है मेलानोसाइट्स, यू कैन से दे आर बेसिकली यू नो लाइक डिफरेंट सेल्स होते हैं, वैसे एक मेलानोसाइट्स एक सेल है जो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है मेलानिन, जो बेसिकली कलर कलर ब्लेड करता है। और प्लस इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट्स व्हाई जो लोग गोरे होते हैं जिनकी मेलानिन कंटेंट कम होता है, लाइक जो यूरोपियंस होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, उन्हें स्किन कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जबकि वहीं पे जो अफ्रीकन्स होते हैं जिनका मेलानिन पिगमेंटेशन हाई होता है, दे आर सेफ फ्रॉम स्किन कैंसर, बिकॉज उनको अगर सन
पे वो जाते भी हैं या फिर दे गेट सन, तो उनको इफेक्ट नहीं करता बिकॉज दे हैव मेलानिन, मेलानिन फिल्टर्स इट आउट, ठीक है। इसके बाद हो गया स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस के दूसरी लेयर जो है थिक। देखो मैं थोड़ा सा इसको एक बार आप ये देख लो पूरा, ये अच्छी अच्छी चीज़ है। तो एक बार आप देखें तो क्या क्या है, हेयर शाफ्ट, फिर स्वेट ग्लैंड पोर्स, कैपिलरीज, सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, तो फ्री नर्व एंड नर्व एंडिंग यहाँ पे आके मिलती हैं, फिर हेयर फॉलिसल, स्वेट ग्लैंड, नर्व, एडिपोज। एडिपोज से अगर आपको पता हो एडिपोसल क्या होता है, बेसिकली जो फैट होता है जो स्टोर होता है, ठीक है, डर्मिस, एपिडर्मिस। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, फिर सेबम इंडो हेयर फॉल, सेबम इज ऑयल दैट कीप स्किन मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, ये सेबेशियस ग्लैंड करते हैं। इसके बाद हाइपोडर्मिस पर स्किन लाइक फैट लेयर्स सच ए स्टोर एरिया, ठीक है। बोटॉक्स, एक चीज़ आपको देखना है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट आपने सुना होगा क्या होता है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता क्या है, जैसे आपके रिंकल्स बढ़ रहे हैं, स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर गई हो, तो आप क्या करेंगे, आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो जो आपकी वाली लेयर होती है यानी एपिडर्मिस होती है, जो एपिडर्मिस लेयर होती है उस पर ये वो करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो एपिडर्मिस लेयर है वो वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, दैट्स ऑल, इट इज़ द बोटॉक्स ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल डाइल्यूटेड, फिर डाइजेस्टम आता है, स्टेप्स इन डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है पूरी जो सिस्टम को फॉर्म करती है, यानी जहाँ से आपका खाना अंदर होता है और फिर वो जहाँ से इंटेस्टाइन तक पहुँचता है उसको पूरा बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। इट कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ सलाइवा होता है, फिर फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस, यानी रेक्टम तक और सलाइवरी ग्लैंड से लेकर जो पूरा एक कैनाल बनी हुई है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एंड देर आर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, ठीक है। फूड मूव फ्रॉम वन, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम, इसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, डाइज स्टार्च फ्रॉम फूड इनटू समोन, डाइज स्टार्च करता है, स्टार्च को एमाइलेज वो करता है। आगे बढ़ते हैं, द स्टमक हैज थ्री मैकेनिकल टास्क टू स्टोर द सॉलिड फूड, ठीक है, मिक्सअप द फूड डाइजेस्टिव, लीवर इज लार्जेस्ट, आपको अगर सबसे बड़ा ग्लैंड की बात की करी जाए तो वो लीवर है। पैनक्रियाज क्या करता है, प्रोड्यूस एंजाइम दैट हेल्प्स डाइजेशन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इट ऑल्सो मेक सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइज स्टमक, स्टमक में जो एसिड होता है, जो HCl होता है, उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, पैनक्रियाज के द्वारा बनाए गए फ्रूट्स, और ये ऑल्सो डाइज करता है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इज थ्री डिविजन्स, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तीन, स्मॉल इंटेस्टाइन की तीन डिविजन्स आपको याद रखें, ड्यूओडेनम, जेजनम एंड इलियम। तो ड्यूड जेजली, ड्यूड जेजली, ड्यूओडेनम, जेजनम, इलियम, तीन पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद मिलियंस ऑफ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, फिली जो है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या, अगर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता हो तो बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन में के अंदर की बात है ये, जो उनका वो, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक पोजिशन निकले हुए हैं पूरे इसमें, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फूड जो यहाँ से पास होता है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उससे ये न्यूट्रिएंट्स सोक करके पूरी बॉडी को पहुँचाते हैं। दो चीज़ें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तीन पार्ट में डिवाइड है, जियोजेनम, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है, इलियम जो भी कह लें। उसके बाद मिलियंस ऑफ माइक्रोसिविली, लार्ज इंटेस्टाइन सेक्रेट नो एंजाइम्स एंड प्ले ओनली ए माइनर रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कोई खास रोल नहीं है। दी थ्री डिविजन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन केशियम, ये भी आपको याद, देखो ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यू जे टी जे आई, ये तो हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, कोलन, कोलन, रेक्टम, केशियम, तीन पार्ट इसके भी हैं, ठीक है, केकम, कैकम, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम इज़ वेयर फीकस आर स्टोर्ड एंड देरी सिस्टम डिसऑर्डर्स आर कॉज बाय वायरसेस, बैक्टीरिया सच एज सेलमोनेला, शिगेला। हेपेटाइटिस कंडीशन में मैनी फिंगर्स लीवर बिकम्स इन्फ्लेम्ड, हेपेटाइटिस में क्या होता है कि लीवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ऑल आउट रिलेटेड टू फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम इज़ एनाटॉमिकल, तो ये इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन का पार्ट, ठीक है। नॉस्ट्रल्स ऑल्सो कॉल्ड नेयर सेक्टर्स एयर, यहाँ से नेयर, देखिए ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ से एयर जाती है। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एल्वेज, देखो फेरिंग्स एक ऐसा है जो
डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है और ये रेस्पिरेटरी, बिकॉज इट कैरीज बोथ फूड एंड एयर दोनों का, ठीक है। उसके बाद आ गया लेरिंग्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स फॉर साउंडनेस। लेरिंग्स, लेरिंग्स में साउंड है, फेरिंग्स में क्या है, फूड और एयर दोनों को फेरिंग्स लेता है। ट्रेकिया विंड पॉइंट कैरीज एयर, ब्रोंकी, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई दैट एंटरिंग लेफ्ट एंटर राइट, ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकी डिवाइड, एलवीओली। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है एलवीओली, ये क्या होते हैं, कैविटीज होते हैं कंटेन विद इन एलवीओलर सैक्स, दे हैव वेरी थिन वॉल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार मैं इसको, इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, देखिए देखिए क्या है इसमें, नोज़ के बाद एयर है, माउथ जो आप इपिग्लॉटिस कहते हो, ये फ्रॉम इपिग्लॉटिस, तो इपिग्लॉटिस ये है, कवर्स लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, जहाँ से साउंड बॉक्स, समझे, साउंड बॉक्स जहाँ से निकलती है वो लेरिंग्स है, लेरिंग्स फॉलोइंग। नेजल एक्टिविटी है, फिर फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जिसको कहते हो ये थ्रोट है, ठीक है, यहाँ से खाना भी जाता है, यहाँ से एयर भी जाती है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स से खाना सब जाता है। कि लेरिंग्स क्या, आवाज़ का है, साउंड बॉक्स जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो तो ये देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन्स ये कवर करते हैं लंग्स को, ठीक है, याद रखना प्लूरल मेम्ब्रेन्स, लंग्स, देन रिब्स, डाइफाग्राम, आपको पता ही, नीचे वाला पार्ट जब एयर जाती है तो ये, जब एयर जाती है तो ये पार्ट एक्सपैंड होता है नीचे को, ताकि इसको बोलते हैं डाइफाग्राम। यहाँ पे अंदर पाए जाते हैं एल्वियोली, एयर सैक्स, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। ब्रोंकाई, ट्राकिया क्या है, ट्राकिया इज़ द विंड वाला जो पार्ट है, ये ट्राकिया, यानी लेरिंग्स के नीचे ट्राकिया है, फिर ये डिवाइड हो जाता है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यानी हमने अभी तक देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा कर लिया, और डाइफाग्राम हो गया, लोकेट बिलो द लंग्स, लार्ज डोम शेप्ड, ठीक है, ये तो पता जाता है वो, ब्रीथिंग इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वियोली टू द ब्लड थ्रू द कैपिलरीज, वेरी टाइनी ब्लड सेल्स, देखो एल्वियोली में जाता है, फिर वहाँ से एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन, स्पेशली प्रोटीन दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन इन लंग्स। तो देखो जब ऑक्सीजन पहुँचती है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, इसे कंबाइन करता है, और ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिफ्यूजन मूव्स आउट ऑफ दिस सेल्स इनटू कैपिलरीज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। इज देखो जो CO2 होती है वो मोस्टली प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, ठीक है, तो वहाँ से वो निकल कर चली जाती है एलवी ओलिमर, वहाँ से बाहर जाती है। अस्थमा क्या है, अस्थमा इज़ द इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइटन होता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑफन देयर आर ट्रिगर्स लाइक सिगरेट स्मोक, अस्थमा, एवरीथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व थ्रू आउट द बॉडी इन ऑक्सीजन CO2। अब देखो हार्ट के कई क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगर आज आप हार्ट समझ लोगे तो आगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बार हार्ट पढ़ा करता हूँ, एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ा करते हैं, ठीक है। बॉटम पार्ट ऑफ द हार्ट इज इन 2 चैम्बर्स, राइट एंड लेफ्ट, वेल पम्प ब्लड आउट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ अदर 2 चैम्बर्स, लेफ्ट आर्टेरिया, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट थिकेस्ट। ये बड़ा करते हैं हार्ट को, देखना शुरू करें प्लीज़। सबसे जो इम्पोर्टेंट ये देखिए एरोटा, ये पार्ट है एरोटा। उसके बाद हार्ट डिवीजन देख लेते हैं, राइट छोटा करता हूँ थोड़ा सा इसको, जो डिवीजन है हार्ट का वो देखिए वो इम्पोर्टेंट है। राइट एट्रियम, ठीक है, इधर राइट एट्रियम है, इधर लेफ्ट एट्रियम है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये इम्पोर्टेंट है। और तो हम कहाँ पे थे, चलिए शुरू करते हैं फिर से, दी 2 कोरोनरी आर्टरीज प्रोवाइड टू द ब्लड। तो ये हार्ट का आपने देखा, हार्ट का आपने देख लिया हो तो, सुपरी वेना कावा, पुलमनरी सेमिनरी, इन्फेरी वेना कावा, इनकार्डियम, मायकार्डियम, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद कहाँ पे थे हम, हार्ट डिजीज़, हार्ट। तो आपने देखिए आपको क्या याद रखना है कि हार्ट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, कभी पूछ लेते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है 4 चैम्बर्स हैं, पहली बात, कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
बॉटम पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स. अब जिसको बॉटम पार्ट है वो भी डिवाइडेड टू चैम्बर्स में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. अपर पार्ट है राइट एट्रियम, देखो अपर पार्ट है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और लोअर पार्ट जो है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड है. ठीक है चलिए शुरू करते. अपर पार्ट इज मेड ऑफ द टू चैम्बर्स कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, एट्रियम है, और उसके बाद ऊपर क्या है, अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ एट्रिया. आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को अवे ले जाती हैं, ट्राई टू कीप द ब्लड. ठीक है, टू कोरोनरी आर्टरीज फॉर ऑक्सीजन अरेंजमेंट द वेन्स. देखो आर्टरीज ले जाती हैं और वेन्स ले आती हैं वापस. वन कंप्लीट हार्ट बीट मेक्स अप अ कार्डिक साइकिल विद टू फेजेस. फर्स्ट फेज में क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल जो कि बॉटम में होते हैं. ये देखिए राइट वेंट्रिकल है और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है. तो राइट वेंट्रिकल को कहाँ पॉइंट आउट हो रहा है, ये पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल पॉइंट आउट. ये तो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल बोलते हैं इसको. इसके दो फेज होते हैं, पहले फेज में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट सेंडिंग ब्लड इनटू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड को पल्मोनरी में भेज देते हैं, जो वॉल्स होते हैं ऊपर धकेलते हैं ब्लड को. अब देखते जाइए मैं जहाँ जहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ब्लड को ना ऊपर धकेला. ठीक है, और वॉल लगा होता है, फिर ये रिलैक्स करते हैं, जो रिलैक्स करते हैं तो वॉल बंद हो जाते हैं, तो ब्लड यहाँ पहुँच चुका होता है. ठीक है, पल्मोनरी एंड सिस्टम सर्कुलेशन, देन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड फिल विद ब्लड फ्रॉम द एट्रिया विच मेक्स अप द सेकेंड फेज. उसके बाद ये रिलैक्स होते हैं और फिर से ब्लड फिर आता है कहाँ से, एट्रिया से ब्लड आता है. एट्रिया कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं एक बार. देखिए राइट एट्रियम है और एरोटिक है, लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे है. देखिए लेफ्ट मैं डालता हूँ, देखिए एट्रियम ये है. ठीक है, और अगर मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा पाऊँ, सॉरी सॉरी थोड़ा सा ये डिक्शनरी खुल गई थी, एक मिनट. ये देखिए इसको मैं फिर जैसे ही थोड़ा एक शॉर्टकट बना हुआ है, सॉरी सॉरी गाइस, लेट मी गेट बैक. ओके सॉरी, तो अब नहीं करूँगा मैं क्योंकि बार बार वैसे हो जा रहा है. ठीक है, दिस नॉर्मल हार्ट बीट इज. तो बेसिकली जो वो साइकिल है कार्डियक, उसके दो फेज हैं. ठीक है, पहले फेज में आपके जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड धकेलते हैं ऊपर, वॉल बंद हो जाते हैं, और जो एट्रियम्स हैं लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, इसमें ब्लड आता है. फिर से ये वापस, अब ब्लड कहाँ से आएगा, ये ब्लड आता है आपकी एट्रिया से, ब्लड वापस आता है इनमें फिर बढ़ता है. ठीक है, उसके बाद ये है हार्ट बीट इज मोर देन, ये हो गया. अच्छा ये पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड लो इन ऑक्सीजन बट हाई इन सी ओ टू इज पम्प्ड आउट द राइट वेंट्रिकल. ठीक है, पम्प्ड आउट ऑन द राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विच ब्रांचेज ऑफ इन टू टू डायरेक्शंस. ठीक है, देखिए जो बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो वेंट्रिकल से जाके पल्मोनरी में और फिर वहाँ से वेना कावा में चला जाता है, शायद ऐसा ही कुछ लिखा है. तो देखो क्या होता है, इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, देखो देयर आर टू टाइप्स सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी. ठीक है, टू स्टार्ट देखो एक चीज़ और है, साइनोट्रियल नोड स्मॉल एरिया ऑफ टिश इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम जो है आपका, यहाँ पे कोई साइनोट्रियल और ऐसे नोड है, स्मॉल एरिया ऑफ टिश्यू है, दैट सेंड आउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए. ठीक है, दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कॉजेज द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इन ऑल द एट्रियो वेंट्रिकल. तो होता क्या है कि जब ये संदेश जाता है तो ट्रेवल डाउन ऑन दी एट्रियो वेंट्रिकल. एट्रियो वेंट्रिकुलर जो होते हैं, ये सबसे पहले एट्रियो वेंट्रिकुलर को दिखाना चाहूँगा मैं कहाँ पे हैं. ये जो वॉल्स आपको अगर दिख रहे हो, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है, ये होते हैं पहले जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये एट्रियो वेंट्रिकुलर और एवी नोड पे आते हैं. अब देखो क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड ट्रेवल्स आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एरोटा टू एवरी ऑर्गन टिश्यू. तो अब चलते हैं ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर. अगर आपने देखा हो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे था, तो वो ये था यहाँ पे. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होता है और एरोटा पे होते हुए जो ये था,
एरोटा में पहुंच कर ये पूरे बॉडी में फ्लो होता है, पहली बात ये तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड ट्रेवल्स आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एरोटा, टू द एरोटा एंड टू एवरी ऑर्गेन एंड टिश्यू इन द बॉडी एंड देन बैक टू द राइट एट्रियम। फिर वापस ये कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम पे। आपको मैं फिर दिखाना चाहूँगा राइट एट्रियम कहाँ पे है। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, एरोटा में गया और फिर ये वापस आया कहाँ पे, राइट एट्रियम पे वापस आया पूरा फ्लो करने के बाद, ठीक है जी। समझ में आ गई, वेंट्रिकल से निकला और कहाँ से, वेंट्रिकल से निकला, एरोटा से बाहर गया, वापस आके ये एट्रियम पे आ गया। ये होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड लो इन ऑक्सीजन एंड हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो ये तो पूरा हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, ठीक है। अब कैसे हमें ब्लड को निकालना है, लाइक फ्रिक्वेंट सेड बैड ब्लड और समथिंग, बट देन एट इज की लो इन ऑक्सीजन हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमें फिल्टर करवाना है या फिर हमें लंग तक पहुँचाना है। इट इज पम्प्ड आउट ऑफ राइट वेंट्रिकल इन टू पल्मनरी आर्टरी विच ब्रांचेज ऑफ इन टू डायरेक्शन, ठीक है। द करेनरी आर्टरी सप्लाईज ब्लड टू द हार्ट मसल। तो ये हो गया कि कैसे ये पल्मनरी आर्टरी होती यूज होती है जो ब्लड को वहाँ तक ले जाती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड ऑक्सीजन ब्लड टू कॉन्शियस सेल और कॉपी सेल्स। देखो ये कभी पूछ लेते हैं कि ब्लड के क्या क्या कॉम्प्रोमाइज है, तो 45% इन द लिक्विड पोर्शन ऑफ प्लाज्मा इज सेल्स आर सस्पेंडिंग 55%। तो सेल्स कितने हैं ये आपको याद रखना है, सेल्स 45% है और जो प्लाज्मा है वो कितना है, 55%, ठीक है। अब ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तीन तरह के हैं। और रेड ब्लड सेल्स इनको हम एराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। डिजीज़ क्या है, एनीमिया, डिफिशिएंसी ऑफ ग्लोबुलिन, ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स वो अपने को ही मारने लगते हैं। हार्ट डिजीज़ क्या है, एथियोस्क्लेरोसिस, लार्ज एमिनोसाइट्स एच एस, लार्ज कॉन्टिनेंटल सप्लाईज हार्ट, बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट कॉल्ड प्लेक, वेन डिजीजेज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरिफेरल थ्रोम्बोसिस, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑफन, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज ऑफ दिटी द हार्ट हैज टू बीट हार्डर टू फोर्स, आर्टरी से ब्लड फ्लो होता है, अगर आर्टरीज हार्ड हो गई तो ब्लड फ्लो दम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो हाइपरटेंशन। नर्वो सिस्टम आ गए हम, सेंट्रल नर्वो सिस्टम, न्यूरॉन्स, देखो न्यूरॉन्स के भी तीन पार्ट हैं, डेंड्राइट्स रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेल, एक्सॉन कंडक्ट्स मैसेज अवे, ठीक है। तो डेंड्राइट्स, एक्सॉन, थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अगर को, ये थोड़ा इम्पोर्ट याद रखना है, नोड ऑफ रैनवियर सर्व्स एज अ पॉइंट अलॉन्ग विद द, यहाँ पे क्या सर्व्स एज अ पॉइंट अलॉन्ग द न्यूरॉन फॉर जनरेटिंग अ सिग्नल, जो सिग्नल जनरेट होता है नोड्स ऑफ रैनवियर, थोड़ी सी मतलब जंक्शन जो होता है वो तो साइनैप्स कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे दो दो नर्व्स या फिर दो जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके बीच में, अगर आपने उनका स्ट्रक्चर देखा हो तो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके होते हैं, फिर अगला जुड़ता है यहाँ से, तो जो इनके बीच में गैप होता है ना उस, इट्स कॉल्ड साइनैप्स। तो जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली वो आते हैं फोर ब्रेन इन सब ब्रेन, उसे फोर ब्रेन से लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, तो पहला क्या है, फोर ब्रेन आगे का पोएट, टू थिंग्स इंटेलिजेंस मेमोरी स्पीच स्पीड, तो फोर ब्रेन है उसमें आता है सेरिब्रम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान सुनना, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम क्या है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज एसेंशियल टू मेक अस हु वी आर, इंटेलिजेंस मेमोरी स्पीच एबिलिटी टू फील, ये सब सेरिब्रम में है। द आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर लेयर अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन सिट्स इन थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ठीक है। इसके बाद द थैलेमस कैरीज मैसेज फ्रॉम सेंसरी, द मिड ब्रेन इज अंडरनीथ द मिडिल और फोर ब्रेन एक्ट एज ए मास्टर कोऑर्डिनेटर। अब जो देखो ऊपर वाला ब्रेन है वो मेन ब्रेन बनाता है, उसका जो मिड ब्रेन है ये एक्ट एज अ मास्टर ऑफ कोई एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करने में, और जो स्पाइनल कॉर्ड है नीचे वाला पार्ट है इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है। हाइंड ब्रेन क्या है, इट सिट्स अंडरनीथ द बैक एंड ऑफ सेरिब्रम ऑफ सेरिबेलम पोन्स एंड मेडुला। हाइंड ब्रेन क्या है, जो पीछे वाला पार्ट है यानी ये पार्ट है जो देखो अगर आपको दिख रहा हो ब्रेन का जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये सेरिबेलम यहाँ होता है पीछे की साइड, ठीक है। सेरिबेलम क्या कहता है, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट, यानी अगर आप हाँ, द ब्रेन स्टेम टेक्स इन सेंटर ऑफ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द ब्रेन कंट्रोल्स, जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं यानी इनवॉल्ट्री सिस्टम्स हैं वो सब यहीं पे कंट्रोल होते हैं,
जितने भी हाइपोथैलेमस के, ठीक है, हाइपोथैलेमस के वो यहीं पे कंट्रोल होते हैं। इसके बाद इमोशंस, एमी, अगर आपने नाम सुना हो, एमिग्डाला, एमिग्डाला इज इमोशंस कंट्रोलर। के बाद मेमोरी का कौन है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ब्रीथिंग और ये सब जो इनवॉलंटरी फंक्शंस है ये भी यहीं से कंट्रोल होता है। द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस, पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम डाइजेस्टिव मोड। फिर उसके बाद पार्किंसंस की होती है डोपामिन डिफिशिएंसी, अल्जाइमर इज टू प्रोटीन प्लेक्स होते हैं ब्रेन में, अल्जाइमर डिजीज और ये सब डिजीज हैं। देखिए ब्रेन ट्यूमर्स, मेनिनजाइटिस एंड इंसेफाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन यूजली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरसेस। इन्फेक्शन ऑफ द कवरिंग ऑफ द ब्रेन, मेनिंगिटिस क्या है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन, और इनसेफाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स। बेस्ड ऑन द लोकेशन थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। मसल स्पेशलाइज टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एडल्ट्स कंट्रीब्यूट। ठीक है, देखो जो मसल्स होती हैं क्या है, बॉडी वेट कंट्रीब्यूट करती है 40 to 50%। मायोफाइब्रिल्स ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, बैंड टाइप की होती है ये एनर्जी कहाँ से यूज़ करती है, एटीपी से, एथिलीन ट्राई फॉस्फेट। सिन हेड नाउ बाइंड्स द मायोसिन रिलीजिंग द एटीपी इन पाइप ओवर रिलैक्स रेट। डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं इसके क्या है, स्केलेटन में क्या है, एजियल इसमें आता है आपका स्कल, रिब केज, कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है। स्कल क्या है, टू सेट्स ऑफ बोन, क्रेनियल एंड फेशियल, 22 बोन्स हैं, क्रेनियल सर 18 नंबर। स्कल जो हमारा है वो दो सेट ऑफ बोन से बना है, क्रेनियल से और फेशियल से। क्रेनियल क्या है, जो क्रेनियल पार्ट है, और फेशियल 22 बोन्स है टोटल, जबकि इसमें 8 क्रेनियल बोन्स हैं। वर्टेब्रल कॉलम, वो अभी सब पूछ सकते हैं, वर्टेब्रल कॉलम्स क्या है, और वर्टेब्रल कॉलम्स फॉर्म है 26, कॉल वर्टेब्रे, जो वर्टेब्रे हैं कितने हैं, 26 ऐसे चीज़ें बनी हुई हैं, 26 आपको याद रखना है। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स द फ्रेम ऑफ द ट्रंक। रिब केज क्या है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स क्या है, ऐसे जो आपके आगे का लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं ऐसे करके, दे आर रिब्स। तो देर आर 12, ईच रिब्स कनेक्ट टू अ फ्लैट बोन, टेस्ट टू आर्टिकुलेशन, ठीक है। एपी तो 12 वो हो गई और 22, ठीक है, ये सब आपको याद रखना। ज्वाइंट्स कैसे कैसे होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स, सिनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है, फ्लूड फिल्ड विद सिनोवियल कैप्टिविटी, ऑल्सो कंसिडरेबल मूवमेंट। फाइब्रस ज्वाइंट क्या है, डू नॉट अलाउ, फाइब्रस ज्वाइंट कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, कि साइन वाला फ्लूड होता है तो मूवमेंट अलाउ होता है। अर्थराइटिस क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट्स ये पूछ सकते हैं। गाउट क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट, एक्युमुलेशन ऑफ गाउट तब होता है जब यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एज डिसऑर्डर है, डिक्रीज बोन, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। आगे बढ़ते हैं, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, और बॉडी प्रोड्यूसेस ओन केमिकल्स। ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस सीक्रेट्स और केस ऑफ केमिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जस्ट स्वेट एंड सलीवरी इन द स्किन और इनसाइड द माउथ, व्हाइल एंडोक्राइन ऑन द अदर हैंड रिलीजेस मोर देन 20 मेजर हार्मोन। एंडोक्राइन क्या है, डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में, एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सो और एंडो में यही फ़र्क है कि एक्सोक्राइन क्या है, दे आर स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, तो दे रिलीज सेक्रेशन इन स्किन ऑन साइड द माउथ, दे डोंट गेट इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है अच्छे से। तो एंडोक्राइन क्या है, दे आर डायरेक्टली रिलीजिंग 20 मेजर हॉर्मोन्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देर आर टू इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन डिजीज, डायबिटीज मेलिटस, मेटाबॉलिक डिजीज, इंसुलिन होता है तो उसकी वजह से, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, रिजल्ट ऑन बॉडी सेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। दूसरा क्या है, कंडीशन विच सेल्स फेल टू यूज इंसुलिन प्रॉपरली, समटाइम्स कम्बाइंड एब्सोल्यूट इनफॉर्म। टाइप 1 दो तरह की डायबिटीज़ है, रिक्वायर्स अ पर्सन टू इंजेक्ट। टाइप 1 में क्या है, आप इंसुलिन कम बढ़ रही है, इंसुलिन आप लगा लो। दूसरे में क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, कंडीशन विच सेल्स फेल टू यूज इंसुलिन समटाइम्स कम्बाइंड एब्सोल्यूट। इसके बाद देर आर गुड डिसऑर्डर्स इन बॉडी प्रोड्यूस टू मच ग्रोथ हार्मोन, चाहे जेंटिज्म और एक्रोमेगैली, यानी बहुत ही लंबे हो जाना कहते हैं ग्रोथ में, या फिर ग्रोथ ना होना, दे आर बोथ ग्रोथ डिसऑर्डर्स। ऑस्टियोपोरोसिस कई बार पूछते हैं इसको, तो बिकम फ्रेजाइल एंड मोर लाइकली टू ब्रेक, कंडीशन बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। पॉलीसिस्टेटिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS, कंडीशन एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ इररेगुलर, अगर आपके मेंस्ट्रुएशन इररेगुलर है तो दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ PCOS। देन थायरॉयड डिसऑर्डर्स, थायरॉयड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाई थायरॉयड ग्लैंड,
इन्फ्लुएंस से सारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो अगर थायराइड ग्लैंड अफेक्ट हुआ तो टू मच हाइपर हो सकता है या फिर हाइपो हो सकता है। क्यूशन सिंड्रोम है, कोर्टिजोल कुछ बॉडी इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेंटेनिंग इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये तो एडिसन्स डिजीज़ क्या है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्यूशन सिंड्रोम से रिलेटेड विद कॉर्टिजोल, एडिसन्स डिजीज रिलेटेड टू एड्रेनल ग्लैंड्स जो है टॉप ऑफ द किडनी के ऊपर होते हैं। इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेरॉइड्स इसको एडिशंस डिजीज बोलते हैं। फिर गैमेट्स, एनिमल्स रिप्रोड्यूस सिस्टम इंटरनल एक्सटर्नल, गैमेट्स आर रिप्रोड्यूटिव सेल्स यानी स्पर्म्स और ओवरीज कैन बी कॉल्ड एज गैमेट्स। नाउ गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट, इसको फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म इज जाइगोट। मेल टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूस ओवरीज दैट मेक एग्स, ठीक है। हर्मा हर्मा एंथ्रोपोटिज्म बोथ सेक्सेस, लाइक अगर आपके एक ही ऑर्गेन में दोनों सेक्सेस हैं मेल और फीमेल, दैट थिंग इज कॉल्ड हर्मा फ्लोटिटिज्म। अर्थवॉर्म्स एंड गार्डन स्नेक्स ऑर्गेन बोथ मेल, ठीक है। पार्थोजेनेसिस एबिलिटी टू ऑफ एंड अनवेट डेवलपमेंट हैच टू मेल, ठीक है। ये तो हो गया। फिर के ओवी पेरस ऑर्गेन चिकन एंड टर्टल्स दे एक्स कैन डेवलप आफ्टर बीइंग लेड एंड हैच लेटर, ओवी पेरस। फिर जरा वी पेरस लाइक ह्यूमंस एंड कंगारूज, देन ओवो वी यानी दोनों कर सकते हैं। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, यूरिनरी ग्लैंड, वॉल्स डिफरेंसेस, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट, इरेक्टाइल टिश्यू, यूरेथ्रा, टेस्टिस ग्लैंड, पेनिस, एपिडिडिमिस, ठीक है। इसमें सब रीजन द टेस्टिस, चलो इन द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। स्क्रॉटम द एंड्स ऑफ द वॉस डिफरेंशिया बिहाइंड स्लाइटली इन द ग्लास ब्लैडर कॉल्ड एजेक्टोरेटेड डक्ट, सिमिलर फिल ऑफ बिहाइंड द ब्लैडर। देयर सेक्रेशन आर अबाउट 60% टू ऑल द सेमिनल, कंटेन्स म्यूकस, अमीनो एसिड्स, फ्रक्टोज इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द स्पर्म। तो जो आपका स्पर्म होता है उसमें म्यूकस होता है, अमीनो एसिड होता है, फ्रक्टोज भी होता है उसमें, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को जिंदा रखता है। उसके बाद क्या है, प्रोस्टेट इज द लार्जेस्ट ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड इनपुट सिक्रेशन। अगर आप सबसे बड़ा एक्सेसरी ग्लैंड कौन सा है, दाली प्रोस्टेट, कौन सा है प्रोस्टेट। एंड ठीक है, फीमेल क्या है, एक्स प्रोड्यूस इन द ओवरीज विद इन द ओवरी ऑफ फॉली सेल इंस्टेड ऑफ वन प्रिकर्सर एक्स सेल्स बाय स्पेशल सेल्स नरिशन प्रोटेक्ट। इसमें एक सेल होता है और उसको सराउंडेड होता है स्पेशल सेल्स से, इसको नरिश करते हैं ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिसाइल एफ एस एच हॉर्म होता है, वन एग पर साइकिल मैच्योर्स एंड इज रिलीज फ्रॉम इट्स ओवरी। ओवल्यूशन इज द रिलीज ऑफ द मैच्योर एग ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच देन कॉर्पस ल्यूटम एंड देन सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एग एक 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 साइकिल में प्रोड्यूस होता है, इज रिलीज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी नियर द ओपनिंग, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर ह्यूमन कॉज ड्यू टू एच पी वी, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, प्रॉब्लम्स जूनल हार्निया पोर्शन ऑफ द सिफिलिस इज एस टी डी बैक्टीरिया। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिफिलिस किस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलेडियम कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड सिंपल प्रोटीन्स चेंज ऑफ अमीनो एसिड्स पेप्टाइड्स, ठीक है। प्रोटीन्स इज फाउंड इन सेल्स हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स फॉर्म्ड फैट्स। देखो फैट्स भी दो तरीके हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्या है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, दे रेज द टोटल एल डी एल। तो हम जैसे डालडा हो गया आपका, डालडा तो आप देखो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं, उसको रेज करता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट इज लिक्विड, नॉट टू टाइप्स मोनो अनसैचुरेटेड ऑलिव्स ऑलिव ऑयल, देन ट्रांस फैट इज हाइड्रोजनेटेड फैट, एल डी एल बैड कोलेस्ट्रॉल। हाइड्रोजनेटेड फैट और ट्रांस फैट यानी जो डालडा है वो ट्रांस में आएगा क्योंकि वो हाइड्रोजनेटेड होता है, ठीक है। लो डेंसिटी प्रोटीन वन ऑफ द मेजर सॉल्युबल ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द वाटर बेस्ड ब्लड स्ट्रीम। तो जो हम एल डी एल की बात कर रहे थे वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है एल डी एल। और ये बेसिकली एल डी एल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, एच डी एल हाई डेंसिटी होता है। विटामिन इज अ कंपाउंड
ठीक है, ADAK, तो इसको भी याद रखना है कि इसमें भी दो तरीके के हैं, क्या कि सॉल्यूबल हैं और अनसॉल्यूबल हैं, तो कौन से हैं आइए याद रखते हैं। तो पहली चीज़ है कि कहाँ गया, विटामिन फैट सॉल्यूबल, ADEK क्या है, फैट सॉल्यूबल है, ठीक है, ADEK क्या है, फैट सॉल्यूबल है ADEK। वाटर सॉल्यूबल क्या है, ऑल द बी विटामिन एंड विटामिन सी। बी सी क्या है, बी सी क्या है, बी सी है सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, और आपका ADEK है फैट सोल्यूबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैलेंस डाइट हो गया, BMI हो गया, मॉल न्यूट्रिशन हो गया। मॉल न्यूट्रिशन एशिया सबसे 70%, 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया में, 70% अफ्रीका में, 26% है लेटिन अमेरिका में। एनीमिया का स्टिल आयरन डिफिशियंसी आपको पता है, इम्प्लीटेशन। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, इससे भी सप्लीमेंट जो आयरन डिफिशियंसी है उसकी वजह से हुआ। चिल्ड्रन मुस्लिम मोस्ट जनरली हैड वर्स न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स, प्रेवलेंस ऑफ अंडर वेट इज 2.5 इन बिहार। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, बल्किंग एजेंट। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा, ये तो हम आगे केमिस्ट्री पे, तो चलिए शुरू करते हैं। बल्किंग एजेंट्स चार्ज इंक्लूज बल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। इमल्सीफायर्स क्या हैं, अलाउ वाटर टू रिमेन मिक्स्ड, वाटर और ऑयल को मिलने में मदद करते हैं, इमल्सीफायर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मेयोनी हो गया, आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, फिर बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जैम, इसको मतलब प्रिजर्वेटिव करते हैं। सल्फाइड्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, शॉर्बेट्स, सोडियम शॉर्बेट, फिर चीज स्वीटनर्स फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया हुआ है, ये देखते हैं क्या है, सारे लॉज स्टेब्लिश करता है, फूड सिक्योरिटी है। इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जानता है, फूड सेफ्टी 2006, फूड यूज़ स्कोप ऑफ प्रॉब्लम। सिक्सटी परसेंट ऑफ यूनिफाइड लाइफ स्टाइल लाइक ओबेसिटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक बैकेज, डायबिटीज़, ये क्या है, ये सब ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशन की डिजीज आते हैं इनके ऑपरेशन। 10% वाले सफर विद हाइपर टेंशन, स्ट्रोक, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज में क्या है, 36% सैंपल सफर विद ओबेसिटी, 21 विद डिप्रेशन, 36 इज पॉपुलेशन विद ओबेसिटी, 21 इज डिप्रेशन, 12 इज ब्लड प्रेशर, 8% इज डायबिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कॉरपोरेट वालों की स्थिति है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की, जीन्स, ट्रांसजेनिक को, ट्रांसजेनिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लू। एक है बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन क्या है, जीन, एक जीन है CR1AC और CRY1AC लिया गया, ठीक है, हम एक बैक्टीरिया से लिया गया, बैसलस थ्रीन जेनेस विच इज बीन इंसर्टेड टू कॉटन, इसको हमने कॉटन के अंदर डाल दिया है इस जीन को, बैसलस थ्रीन जेनेसिस, इसको इस बैक्टीरिया से हमें ये जीन मिला है, इसको मैं डाल दी कॉटन के अंदर। इट हैज़ इंक्लूड जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो पेस्ट को ख़त्म कर देता है, ठीक है, क्राई बने इसी। अब यहाँ पे क्योंकि कॉटन इज़ यू नो कैश क्रॉप, तो उसे हम खाने का यूज़ होता नहीं, तो हम कर सकते हैं, तो इसकी वजह से दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है बॉलवर्म पेस्ट डिज़ाइन टू फाइट पिटेस इज अ मेजर इशू, ये माइक्रोफ्लोरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन थ्रू लेस। अब एक ब्रिंजल भी आ गया है, प्लांट इन कल्टिवेटेड, तो अभी भी GM क्रॉप्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं वो। सो ग्रीन बीटी, ठीक है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ अ फील्ड वेयर बायोटेक्नोलॉजी यूज मेडिकल पर्पज, ठीक है, रेड है। ग्रीन क्या है, एग्रीकल्चर, रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी हम किस पेज में, नैनो टेक्नोलॉजी, टर्म नैनो कम से अंदर, 10^-9 है, वहीं से यानी 1 मिलियन मिलीमीटर वहीं से आया है। फर्स्ट टाइम तो रिचर्ड फेनमैन ने यूज़ किया था 1959 में, इज आर्टिकल्स 20 ऑफ दम लेफ्ट एट द बॉटम। और नैनो साइंस डिफाइन किसने किया, जापानी साइंटिस्ट नोरियो तानिशिगुची, ठीक है, नोरियो तानिशिगुची ने इस चीज़ को डिफाइन किया है। तो सॉरी गाइस, फिर चलते हैं वापस। अप्रोचेस टू नैनो टेक्नोलॉजी बॉटम अप, ग्राफीन, आई ग्राफीन एक सब्सटेंस जो कार्बन से बना हुआ है, प्योर कार्बन, वेयर लेंथ ऑफ कार्बन मोर इज 0.142 नैनोमीटर, इसी के लिए नोबेल प्राइज़ 2010 में मिला है ग्राफीन के बच्चे से, ठीक है, 2010 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़
given to Android exam in Konstigo known for ground experiment. 2D metal graphene. It conducts electricity faster than silicon. Can assess temperature. नैनो पार्टिकल्स नैनो मेडिसिन ठीक है नैनो फंक्शन नैनो की बात है नैनो रोबोट्स आ रहे हैं नैनो पोल्यूशन हो रहा है कैल्शियम सेलेनाइड नैनो पार्टिकल्स कैडमियम पॉइजन ठीक है ये नैनो हो गए ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ टाइप्स ऑफ मिरर एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सर्विस क्रिटिकल एंगल टी आई आर ट्यूटोरियल जियो सैटेलाइट तो देखिए इतना मैंने कवर कर दिया है मैं देख रहा हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट मिल जाता है गामा रेज एक्स रेज इनको मैं अगली क्लास में कवर करता हूँ तो ऑलमोस्ट कवर ही कर दिया है मैंने थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ।